वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। ये सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। देखो, इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर में क्या कवर किया है, एक बार उसको टॉपिक को रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था केमिकल रिएक्शन से कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में जो दी हुई थी वो मैंने आपको कवर करा दी थी। एक तो फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी, मैग्नीशियम रिबन को जो हमने एयर में बर्न किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बना था वहाँ पे। सेकंड एक्टिविटी में हम लोगों ने जिंक ग्रैनुल्स को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली थी, और उसका टेस्ट भी आपको दिखाया था कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे होता है। हाइड्रोजन गैस को के पास जब हम जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते हैं तो पॉप अप साउंड के साथ वो बर्न होती है। और थर्ड एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो लेड आयोडाइड का येल्लो पीपीटी बनता है। ये 3 रिएक्शन हम लोगों ने वहाँ पे कवर की थी। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस किन को बोलते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने को दिए थे, कुछ मैंने कराए थे। तो इस थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फिर उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम जो जाएंगे तो टाइप्स में आप देखोगे कि बैलेंस और अनबैलेंस 2 तरह की रिएक्शन होती हैं। चलो बैलेंस तो ठीक है, अब जो अनबैलेंस हैं उनको बैलेंस कैसे करेंगे वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आपको घर से करने को भी दी जाएंगी, सो दैट आपकी प्रैक्टिस इससे बनी रहे, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो होती है वर्ड इक्वेशन और एक होती है केमिकल इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन आप खुद देख लीजिए, वर्ड मतलब शब्दों में चीज़ों को लिखना है। हमारे पास वही एक्टिविटी का मैंने एग्जांपल लिया है, फर्स्ट वाली मैग्नीशियम रिबन वाली। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, मैग्नीशियम को हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया था। वो ऑक्सीजन एयर से सप्लाई हुई थी जिससे वाइट पाउडर बना था। किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बना था, है ना। तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखा है, इसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो कभी कभी हमें एग्जाम में वर्ड इक्वेशन भी दे दी जाती है और हमें उसको केमिकल इक्वेशन में सिंबॉलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उसको बैलेंस करना होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमने मैग्नीशियम का सिंबल क्या यूज़ कर लिया, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या यूज़ कर लिया, O2। याद रखिएगा, ऑक्सीजन को O नहीं लिखोगे आप लोग कभी भी, इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करोगे। खाली ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में पाई जाती है, इस वजह से हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, O2। लाइक O2, H2, N2 जितनी भी ये गैसेज हैं सारी 2 स्टेट में लिखी जाएंगी। सिमिलरली क्लोरीन है तो Cl नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, Cl2, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या लिखा, O2, ये गलती मत करना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने O2 की नहीं लिखा, ये कंपाउंड है। देखो अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो कैंसिल आउट हो गया ना ये दोनों, तो क्या बचेगा, MgO बचेगा, इस वजह से लिखा हुआ है। अब ये बाहर ये वाला 2 लिखा हुआ है, ये वाला 2 लिखा हुआ है, तो ये क्यों लिखे हुए हैं, ये इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी कितने मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम। ये बाहर लगा हुआ जो 2 है ये इस Mg के लिए भी काम करेगा और O के लिए भी काम करेगा, यानी यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। समझ में आई बात, तो ये रिएक्शन फिलहाल हमने बैलेंस लिखी हुई है क्योंकि हम लोग बस अभी ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिंबॉलिक फॉर्मेट यानी कि केमिकल इक्वेशन हम समझ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट फॉर्मेट में, कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लाइक आई एम सेइंग दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अगर इन्हें वर्ड्स में लिखूंगा तो ये वर्ड इक्वेशन हो जाएगी, और अगर इन्हें सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिखूंगा तो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, वो एक केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। अब केमिकल इक्वेशन 2 तरह की होती हैं, हो सकता है वो बैलेंस हो सकता है वो बैलेंस ना हो, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जिंक की रिएक्शन किससे कराई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सेकंड एक्टिविटी वाला एग्जांपल लिया है, तो क्या बना, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने जिंक है, 1 जिंक है, यहाँ पे भी कितने जिंक है, 1 जिंक है। हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, ये देखो 2 इसके लिए भी काम करेगा और ये 2 इसके लिए भी काम करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और इस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं।
अब क्या बचा, क्लोरीन। क्लोरीन इस साइड पे कितने हैं, दो क्लोरीन है हमारे पास, और इधर की साइड पे कितने क्लोरीन है, यहाँ पर हमारे पास दो क्लोरीन है। तो ये रिएक्शन बैलेंस करके लिखी हुई है। अब अनबैलेंस इक्वेशन को एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल मतलब कंकाल होता है जिसके ऊपर मसल्स नहीं होती है। तो अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स इस एरो के दोनों साइड पे, इस साइड पे यानी दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, इन दोनों साइड पे अगर किसी भी सिंगल एटम के कोई भी सिंगल एलिमेंट का कोई भी एटम अगर मिसिंग है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। देखते हैं ये अनबैलेंस कैसे है। यहाँ पे जिंक देखो कितने हैं, यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे कितने जिंक है, यहाँ पर भी एक जिंक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन देखो कितने हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन है, और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, मिसमैचिंग हो गई ना इसमें, यहाँ पे क्लोरीन की। हाइड्रोजन भी मिसमैच हो रहा है, सपोज करो हाइड्रोजन मैच हो रहा होता, बस क्लोरीन मिसमैच हो रहा होता, तो क्या ये बैलेंस होती, तो आंसर नहीं। अगर एक सिंगल एलिमेंट का कोई भी एटम मैच नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वो अनबैलेंस इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे ये सीखेंगे, सबसे पहले इसमें ये बात आती है कि सर अनबैलेंस को हम लोग बैलेंस करेंगे ही क्यों। भाई हमारे पास ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, लिखे रहने दो। ये तो समझ में आ ही रहा है कि यहाँ जिंक है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या क्या बना। तो ये नंबर वंबर लिख के क्या करना कि ये टू लिखते रहते हो यहाँ पे, देखो उसका प्रॉपर लॉजिक है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए नीड ऑफ बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन, आप लोगों ने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे चीज़ें बनती हैं नहीं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल ही तो होगा, भाई कहीं से कोई नया मास क्रिएट थोड़ी ना हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। दैट मींस द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको इस तरह से समझो, भाई हमारे पास H2 प्लस Cl2, इससे हमारे पास बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सोचो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, सॉरी दो एटम्स हैं, यहाँ पे कितने, एक। तो ये गलत है ना, अभी दो का एक कैसे रह गया, एक कहाँ गया। इसी तरह से यहाँ क्लोरीन दो हैं, यहाँ कितने, एक, तो दो का एक कैसे रह गया। भाई ना तो कम होने चाहिए ना ही ज़्यादा होने चाहिए, जितने एटम यहाँ पे थे उतने ही एटम कहाँ पे होने चाहिए, इस साइड पे अवेलेबल होने चाहिए। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोगों को किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा ये। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। अब आपके सामने एक इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन है, सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो चेक करते हैं बैलेंस है या नहीं है। देखो उसका सिंपल सा वे अभी बताता हूँ, अभी तो हम टेबल बना के सॉल्व करेंगे, बाद में जब थोड़े से क्वेश्चन हो जाएंगे, काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे, उसके एट लास्ट में हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लिया करेंगे। तो देखो टेबल बना के कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपलेस्ट वे है, स्टार्टिंग में आप लोग भी ऐसा कीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। डायरेक्ट करने की ट्राई करोगे तो टाइम भी शायद ज़्यादा लगेगा और एकदम से नहीं सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ जहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें लेंगे। तीन कॉलम बनाते हैं, एक एलिमेंट का, इसके अलावा एक नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड और एक नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है ना। देखो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे एटम्स अवेलेबल हैं। एलिमेंट एक हाइड्रोजन है, देखो ये रहा है हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन तीनों को तो लिख ही लो, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, कैल्शियम, ऑक्सीजन दोबारा रिपीट हो गया, हाइड्रोजन दोबारा रिपीट हो गया, बस एक साइड से देख लो ना, इस साइड से दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं। भाई एलिमेंट के तो जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं इस साइड पे, वहीं तो ये सारे के सारे इस साइड पे आएंगे। तो हमारे पास चार तरह के एलिमेंट इसमें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। अब इनके देख लेते हैं कितने कितने एटम्स दोनों साइड पे हैं, मैं इस तरह से कुछ मार्किंग कर रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने सारे काउंट करने हैं भाई, इस साइड में जो ये HNO3 है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हैं, दो। ये जो टू यहाँ लिखा हुआ है ये टू H के लिए भी काम करेगा और ये टू O के लिए भी काम करेगा, तो दो हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो गए और एक यहाँ पे हो गया, तो कितने हो गए टोटल, तीन हाइड्रोजन हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे।
इस साइड पे देखते हैं कितने हाइड्रोजन हैं, भाई यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है हमारे पास सिर्फ, ठीक है। नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं, नाइट्रोजन इस साइड पे कितने हैं, यहाँ पे एक नाइट्रोजन नज़र आ रहा है और कैल्शियम वाली जगह पे कोई नाइट्रोजन नहीं है, तो एक नाइट्रोजन हुआ। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, कोई बच्चे बोलते सर एक है, एक नहीं है इस जगह पे, भाई देखो दो की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी ना। और ऑक्सीजन कोई पूछे तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 3 2 6, बट नाइट्रोजन कितने नज़र आ रहे हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर होने वाली है, तो हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 3 तो इस जगह पे डायरेक्ट लिखे हुए हैं, इसके अलावा ओ 2 इस साइड पे हैं, भाई दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी, तो 3 O 2 5, ठीक है। और इस साइड पे देखते हैं हमारे पास कितने ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 2 6 अभी देखे थे और 1 11 7, ठीक है, एक इस साइड पे है यहाँ पे। नेक्स्ट में कैल्शियम देखो, कैल्शियम यहाँ पे अकेला नज़र आ रहा है, एक कैल्शियम यहाँ पे और तो कहीं पे नहीं है, और एक कैल्शियम राइट हैंड साइड पे है, तो कैल्शियम तो बैलेंस है। अब बात ये आती है कि सर हमने नंबर तो लिख दिया, बैलेंस इसको किस तरह से करेंगे, तो देखिए किसी ना किसी तरीके से एक जगह से हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। देखो कितना सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे नज़र आता है एक चीज़ के लिए, भाई हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ अगर हम देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पे तो 2 हैं और यहाँ पे कितना है, 1, एक को 2 बनाना बड़ा आसान होता है, कैसे, इस एक की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूँ तो शायद कम बन जाए, फिर एक की मल्टीप्लाई 2 से करके 2 बन जाएगा ना, और यहाँ पे भी 2 है, और जगह देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो फिलहाल सबसे आसान तरीका ये नज़र आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ नाइट्रोजन आता है वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसे बोल लोगे, इसे या इसे, ये लेफ्ट हैंड साइड हुई हमारे पास है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ पे आता है, नाइट्रोजन इस जगह पे आता है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नाइट्रोजन में मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो दोबारा से चेक करते हैं क्या बनेगा, अब डायरेक्ट चेक करेंगे, देखो 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे हो गए, हाँ 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास हो गए, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। यहाँ पे चेक करते हैं कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, अभी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे गड़बड़ है, तो अभी देखो यहाँ पे इस जगह पे कितने हाइड्रोजन, 2 इधर और 2 इधर, तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। इस साइड पे देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी 2 हाइड्रोजन है इस जगह पे, तो मैं अगर इस जगह पे 2 और अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो हैंड मैडम क्या करेंगे, इस जगह पर भी 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन हमारे पास 4 यहाँ पे हो गए, हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4 यहाँ पे हो गए। और कुछ चेक करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन 2 यहाँ पे हैं, यहाँ तो कहीं नाइट्रोजन नहीं है, इस जगह पे देखते हैं यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो रहे हैं, और तो यहाँ पे कहीं नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है जी, यानी इन दोनों के लिए हमारे पास फिलहाल सब ठीक हो गया। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का क्या कहना है, यहाँ पे ऑक्सीजन इस जगह पे अगर हम लोग देखेंगे भाई यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कितने 2, तो 6 यहाँ वाले और 2 यहाँ वाले, 8 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे चेक करते हैं कितने हैं, 3 2 6 भाई 6 तो इस जगह से मिल जाएंगे, और ये 2 इसके लिए भी काउंट होगा, 8 यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। अब बचा कैल्शियम, कैल्शियम तो बेचारा ऑलरेडी बैलेंस था, भाई देखो कैल्शियम में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ था, तो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे इस केमिकल इक्वेशन में एक तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ा हमें स्टार्टिंग में इस जगह पे, और एक यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, और ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। भाई देखो स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन कर रहे हो थोड़ा अजीब से लगता है, करोगे ना 15 20 50 क्वेश्चन तो अपना आप देखोगे कि ये तो ये सब टेबल वेबल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली बस काउंट करते करते यूँ ही चुटकियों में 5-10 सेकेंड में आप सॉल्व कर लोगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए, इतना तेज़ी से क्वेश्चंस करने की कोशिश मत कीजिए, इससे पहले प्रॉपरली टेबल बनाइए और सब कुछ प्रॉपरली कराइए, कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे अपना आपको सारी चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, अभी दूसरे से शुरू करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में इस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं, उन्होंने बैलेंस करने को बोला है तो हम फिर से टेबल बनाएंगे, हम अभी फिलहाल अपना सिंपल सा वे यूज़ करेंगे, देखते हैं किस तरह से शुरुआत होती है, क्योंकि देखो टेबल बनाने से ना क्या होता है, आपको सबसे पहले लॉजिक पता लग जाता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, किसको बैलेंस करना शुरू करें। तो एलिमेंट हम लोगों ने बना लिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। अब एलिमेंट देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास सोडियम, इसका रो हो गया, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन,
ठीक है भाई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिपीट हो गया सल्फर, भाई एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। ऑक्सीजन फिर से रिपीट हो गया, छोड़ दो। यहाँ पे सारे एलिमेंट देख लिए, वही जाके सारे यहाँ पे होंगे, बस खत्म। ठीक है, अब जरा सोडियम यहाँ पे देखते हैं कितने हमारे पास सोडियम है। इस जगह पे एक सोडियम है, यहाँ पे कितने हैं, दो सोडियम है। तो लिख लेते हैं इस काउंटिंग को, यहाँ पे हमारे पास एक सोडियम है और दूसरी जगह पे कितने हैं, दो सोडियम है। ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं, एक ऑक्सीजन तो ये रहा और चार ये रहे, तो चार और एक पाँच। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, चार ऑक्सीजन ये रहे और एक ये रहा पाँच, तो ऑक्सीजन तो फिलहाल बैलेंस है। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये रहा, दो ये रहे, दो और एक तीन। हाइड्रोजन यहाँ देखते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। सल्फर देखो, सल्फर की बात करते हैं, सल्फर यहाँ पे एक अकेला सल्फर है, यहाँ पे एक सल्फर, तो सल्फर कितने हैं, एक, ये वन, यहाँ भी कितने हैं, वन। अब देखो शुरुआत कैसे करनी है, सर कहाँ से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले देखो कि भाई कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि नंबर वन मिल रहा है, जैसे वन का हम टू बना सकते हैं, या फिर हमारे पास कहीं पे ऐसा है जहाँ थ्री है, थ्री और एक जगह सिक्स है, तो थ्री से सिक्स बना सकते हैं। ईजिएस्ट कैलकुलेशन देखनी है, देखो टॉप पे देख लो इस जगह पे सोडियम के लिए, यहाँ पे दो सोडियम है और यहाँ पे कितने हैं, एक सोडियम है, और एक की मल्टीप्लाई अगर दो से कर दी जाए तो काम बन जाएगा। तो सिंपल सी बात, यहीं से शुरुआत करनी है। बाकी को तो देखो ना भाई, यहाँ पे तीन है, यहाँ दो है, यहाँ पाँच है, यहाँ पाँच है। सबसे सिंपल भी कौन सा लग रहा है कि ये वन को टू कैसे बनाया जाए, तो वन की अगर मल्टीप्लाई टू से कर दिया जाएगा तो टू यहाँ बन जाएगा और टू यहाँ बन जाएगा, आगे चीज़ें अपना बैलेंस हो जाएंगी। तो सोडियम कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड वाली जगह पे, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इस सोडियम में टू से मल्टीप्लाई। याद रखना मल्टीप्लाई हमेशा यहाँ पे होगी, कोई ऐसा ना करे कि NaOH लिखा हुआ था सर सोडियम में टू से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ टू लिख दिया, पूरा गलत तरीका है। जब भी आपके पास कोई भी कंपाउंड लिखा होगा तो आप जो भी मल्टीप्लाई करोगे, तीन से, पाँच से, आधे से, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इस जगह पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ टू लिख दिया। अब ओरली चेक करना शुरू कर दो, बस काम बन गया। टेबल का काम बस इतना ही है कि स्टार्टिंग करानी है इसे। अब देखो चेक करते हैं सब चीज़ें, सोडियम यहाँ पे कितने हैं, दो सोडियम है, यहाँ पे कितने हैं, दो सोडियम है, बैलेंस है। ठीक है, टिक लगा लो, खत्म सोडियम की कहानी। ऑक्सीजन पे आते हैं ज़रा, दोबारा से चेक कर लो, यहाँ पे दो ऑक्सीजन ये रहे भाई, दो ये सोडियम पे भी काउंट होगा, ऑक्सीजन पे भी होगा और हाइड्रोजन पे भी होगा, तो यहाँ दो ऑक्सीजन तो ये रहे और चार ये रहे, तो चार और दो कितने हो गए इस जगह पे, लेफ्ट हैंड साइड पे छः ऑक्सीजन हो गए। ठीक है जी, टेबल में दोबारा से करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल तो बस एक बार बनानी थी ये ढूंढने के लिए कि हम लोगों को सबसे पहला नंबर इस पूरी इक्वेशन में कहाँ लिखना है। उसके बाद टेबल की तरफ मत देखिए, बस ये एलिमेंट देखिए कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कितने मिल रहे हैं। तो ऑक्सीजन दो यहाँ पे, चार यहाँ पे, छः ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए और यहाँ पे कितने, चार ऑक्सीजन और एक पाँच, पाँच यहाँ पे गड़बड़ है अभी। तो अगर मैं यहाँ पे दो लिख दूँ इस जगह पे तो दो और चार छः बैलेंस हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, तो यही करते हैं इस जगह पे हम लोग टू लिख लेते हैं। ठीक है जी, वापस चेक करो अपने ऑक्सीजन, देखो दो और चार छः, यहाँ पे कितने थे, दो और चार छः, बैलेंस हो गए ना। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन चेक करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो इधर हो गए और दो हाइड्रोजन ये वाले हो गए, चार हाइड्रोजन है इस साइड पे। यहाँ पे चेक करते हैं कितने हाइड्रोजन, भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, टू टू जा फोर, फोर हाइड्रोजन है। लो भैया हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। सल्फर चेक करते हैं फाइनली, सल्फर कितना है, एक अकेला है यहाँ पर सल्फर बस, यहाँ भी कितना है सल्फर, तो सल्फर भी बैलेंस हो गए। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने, आप क्या करोगे, आप इस तरह से नहीं कि खिचड़ी नहीं बनानी इस तरह एग्ज़ाम में, जो ये नंबर मैंने इधर की साइड यहाँ पे लिखे हैं, आप इस इक्वेशन को फिर से लिखोगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन इज, ऐसे करके एग्ज़ाम में लिख के ना कि सर टू NaOH है ना, ये फॉर्मेट होना चाहिए, कभी मतलब उसी में खिचड़ी बना दी सारी की सारी, H2SO4। और ट्राई कीजिएगा एक ही सिंगल लाइन में इक्वेशन आए, हमेशा नीचे लिखना ना पड़े। तो आपने ये फॉर्मेट लिख दिया और इसको एक बॉक्स में बंद करके आओगे, ये फॉर्मेट में छोड़ के आना है आंसर। टेबल बना के आइए ना ही ये, वो एक अलग बात है, बट स्टार्टिंग में टेबल आपको बना के आनी चाहिए, सो दैट आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। सही है ना, चलो अभी तो और क्वेश्चन है खूब सारे, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, नाम तो सुनते रहना, कहीं पे किसी को याद ना हो तो नाम लिख लेना, आपको नाम जितने ज़्यादा नई नई चीज़ें आते रहें नाम
याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि हर बार ये लिखी हुई नहीं मिलेगी, कई बार वर्ड्स में लिखी हुई इक्वेशन मिलेगी और आपको ये फॉर्मेट इक्वेशन फॉर्मेट ना सिंबॉलिक में फॉर्मेट खुद लिखना पड़ेगा। तो इस चक्कर में मत रहना कि आपको बनी बनाई हलवा मिलेगा, आपको ये सारा काम खुद भी करना पड़ सकता है। तो नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कोई नया नाम आए और आपको लगे कि मुझे याद नहीं रहेगा तो उसको नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। देखो ये है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड इसका नाम सबको पता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बेरियम सल्फेट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैलेंस करना है। फिर से चलो टेबल बनाते हैं, ये काम करना है। देखो हमें तो एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट आ जाएंगे, इस साइड पे नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS, इस साइड पे नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS, ठीक है ना। चलिए अब एलिमेंट देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट है बेरियम, बेरियम BA, ठीक है। अगला है क्लोरीन, Cl, Cl2 मत लिखना, यहाँ तो एलिमेंट के नाम लिख रहे हो ना, H, S, और रिपीट नहीं करना O। चलो यहाँ पांच एलिमेंट हमारे पास आ गए, कोई बात नहीं, हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब काउंटिंग करते हैं कैसे कैसे कौन से कितने कितने एलिमेंट हैं। हाँ जी बेरियम देखते हैं भाई, बेरियम यहाँ पे है एक अकेला एलिमेंट, और इधर भी क्या है अकेला बेरियम है, तो बेरियम है 1-1 दोनों साइड पे। क्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ दो क्लोरीन तो उधर मिले और तो यहाँ पे कहीं नहीं है, और एक क्लोरीन यहाँ पे मिला HCl के पास, तो दो क्लोरीन इधर और एक इधर। हाइड्रोजन देखते हैं भाई, यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए इस जगह पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया HCl वाली जगह पे, तो ये भी दो और एक के हिसाब से हैं। सल्फ़र देखते हैं भाई, सल्फ़र यहाँ पे अकेला सल्फ़र ये रहा H2SO4 में, और यहाँ पे BASO4 में अकेला सल्फ़र, तो 1-1 है ये। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, चार ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने हैं, चार हैं। देखो लगभग सब कुछ बैलेंस है, ही है, बस एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन लगा हो गया ये तो भाई। देखो यहाँ पे दो है इन जगह पे दोनों में, यहाँ पे दोनों में क्या है, वन है, तो एक काम क्यों ना करो आप यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दो भाई, बाकी तो सब बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, तो यहाँ गड़बड़ है। तो यानी कि जहाँ जहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन आ रहे हैं, कहाँ पे, राइट हैंड साइड वाली जगह पे, तो वहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, आपको उन जगह पे टू से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो राइट हैंड साइड पे पहुँचो, ये हमारी राइट हैंड साइड होती है, इस राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ पे आ रहे हैं इस जगह पे, तो इसके बाहर क्या लगाना है, बस इसके बाहर टू लगाना है, दैट्स इट, स्टोरी ओवर, आपको चेंज नहीं करना, सब कुछ ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनी, मैं नीचे लिख देता हूँ, BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बना बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल। ये कैसी इक्वेशन है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो स्टेटमेंट जो मैंने कहा था वही होगा ना, स्टेटमेंट देने शुरू कर दी है, अब आपको खुद इक्वेशन बनानी है। स्केलेटल इक्वेशन बनाओगे भाई, पहले अनबैलेंस बनाओगे ना, अनबैलेंस को स्केलेटल बोलते हैं, और उस स्केलेटल इक्वेशन को फिर आप बैलेंस करोगे, आपको बैलेंस लिखवाइए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज हीटेड विद जिंक ग्रैनुल्स, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या होगा, NaOH होगा, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इसको हीट किया है किसके साथ, जिंक ग्रैनुल्स यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ, ठीक है। बस अब रिएक्शन भी अपना आप लिखनी है, उसने ये भी नहीं बताया कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं जिंक के साथ, तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बनता है Na2ZnO2, इस कंपाउंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये रिएक्शन एसिड बेस वाले चैप्टर में भी आएगी। इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, यहाँ पे ZnO2 जिंकेट आयन होता है, ठीक है ना। सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ तो एक बार दोबारा से देखते हैं, NaOH प्लस ZN, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है।
क्या नाम बताया था मैंने इसका? सोडियम जिंकेट। ये होता है सोडियम जिंकेट यहाँ पे। ठीक, अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए शुरू करते हैं। अब डाइट करने की कोशिश करेंगे बिना टेबल बनाए। अब यहाँ देखो कितने सोडियम है, दो सोडियम है, तो दो यहाँ लगा लो। ठीक, तो सोडियम भी दो हो गए। अब ऑक्सीजन चेक करो, रैंडमली एलिमेंट चेक करो, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे भाई? ये दो इसके लिए काम करेगा, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? दो ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं? दो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी बैलेंस, सोडियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, बैलेंस। जिंक चेक करो, यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ भी एक जिंक है, बैलेंस। हो गई खत्म इक्वेशन। बस ये भी कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना इक्वेशन याद होनी चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम जिंकेट नाम का कंपाउंड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए। नाउ सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड इन हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे सोडियम मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं वो लोग कि सोडियम मेटल है हमारे पास, तो Na टू नहीं लिखेंगे, सिर्फ Na लिखेंगे, एक मेटल है। किससे रिएक्शन करानी है? वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। तो ये भी मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। वहाँ पर आप देखोगे किस तरह से मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, वेपर स्टेट में। तो खैर वो रिएक्शन वहाँ पे पढ़ोगे, तो फिलहाल तो बैलेंस करने के बारे में पूछा है उसने। क्या क्या बना है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, NaOH, और साथ में क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये एरो बना सकते हो, अपवर्ड गैस के लिए यूज़ होता है। अब बैलेंस करना है, डायरेक्ट बैलेंस करने की क्या ट्राई करेंगे, देखो कैसे। यहाँ पे एक Na है, यहाँ भी कितने Na है? एक, सोडियम बैलेंस है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? दो। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे, तीन है, यहीं पंगा होता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन में अगर बात करूँ तो इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? दो, वहाँ पे कितने हैं? तीन। तो इस सिचुएशन को कैसे आप टैकल करोगे? ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन तो बैलेंस ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जो ये ऑड नंबर है, याद रखना ये ट्रिक हमेशा, जब भी ये पंगा फंस जाए कि दो और तीन का सिचुएशन, एक जगह एक चीज़ दो है और दूसरी तीन है, तो वहाँ पे जो ऑड नंबर है यानी ये जो तीन है, इसे हमेशा इवन बनाने की कोशिश करो, नियरेस्ट इवन नंबर। तो तीन का नियरेस्ट इवन नंबर बना सकते हैं दो से मल्टीप्लाई करके, जो क्या बनाएगा? छः, समझे? तो इस तरीके से करोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगी। तो अगर दो और तीन का पंगा फंस जाए तो उस जगह पर तीन वाले नंबर को यानी ऑड नंबर को क्या बना लो? इवन नंबर बना लो। तो यानी क्या करना है, राइट हैंड साइड पे जहाँ पे ये हाइड्रोजन तीन है वहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? दो से मल्टीप्लाई कर दो। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ पे हैं? यहाँ पे दो दो जगह हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई कहाँ करें? यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, भाई प्रॉब्लम इसकी वजह से है ना, ये तो ऑलरेडी इवन है। तो यहाँ पे अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास देखिए सिचुएशन टैकल हो जाएगी। तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई करूँ तो दो, और मेरे पास यहाँ पे कितने होंगे? दो, यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो टोटल काउंटिंग है वो इवन नंबर में चली गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा के इशू किस चीज़ का था? ऑड नंबर का था। तो जब भी ऑड नंबर मिले आपको तो उस सिचुएशन में वहाँ पे आप क्या बनाने की कोशिश कीजिए? इवन नंबर बनाने की कोशिश कीजिए। तो अब देखो, अब दो सोडियम हो गए तो आपको दो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं, सोडियम बैलेंस है, हाँ है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? एक है। यहाँ पर कितने हैं? दो ऑक्सीजन, अभी दो इसके लिए भी काउंट होगा तो दो यहाँ पे भी लगा लीजिए। अब फिर से देखिए, दो सोडियम, दो हाइड्रोजन, और सॉरी चार हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? दो और दो, चार। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? एक ये रहा ऑक्सीजन, और दो ये रहा ऑक्सीजन, और दो यहाँ पे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? तो इक्वेशन फाइनल ये बनी, टू एन ए प्लस टू एच टू ओ, इससे क्या बना? टू NaOH प्लस एच टू। ठीक है, तो तीन और दो के पंगे में जहाँ पर भी तीन बन रहा है उस जगह पे आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है? सिंपल, टू से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे एक इवन नंबर बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दी? सबसे पहले टू से मल्टीप्लाई करी और सारा मामला सुलझ गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के पाउडर से करनी है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा ही जाएगा, H2SO4, किससे रिएक्शन? एल्यूमिनियम से रिएक्शन, एल्यूमिनियम पाउडर मतलब एल्यूमिनियम से रिएक्शन। तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट, भाई ये इस रिएक्शन कर जाएगा Al2SO4 की होल थ्राइस। कैसे? एल्यूमिनियम तीन वैलेंसी, SO4 दो वैलेंसी, कर दो क्रॉस। तो टू
किसके पास आएगा, ए एल के पास, देखो लिखा हुआ है। एस ओ फोर के पास क्या आएगा, थ्री, तो ए एल टू एस ओ फोर, एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं, नाम लिख लेना चाहे। प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना, इस प्रोसेस में भी। अब बैलेंस करना है, वही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं बिना टेबल बनाए। देखो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो, बैलेंस नज़र आ रहे हैं। सल्फर एक, यहाँ पे कितने, तीन, यानी अभी गड़बड़ है। ऑक्सीजन चार, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, फोर, थ्री या ट्वेल्व, बहुत अलग है। एल्यूमिनियम एक, यहाँ पे कितने, टू। देखो सल्फर वाली काउंटिंग को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे सल्फर एक है और वहाँ पे सल्फर कितने हैं, तीन हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम इस जगह पे एक है और यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। तो सबसे पहला काम मैं यही कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या कर लूँ, यहाँ पे टू ए एल लगा लूँ, शायद इससे बैलेंस हो जाए। बट इससे एल्यूमिनियम ही तो बैलेंस हुआ, बाकी तो सारे के सारे ऐसे कैसे रह गए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो इस सल्फर वाली जगह पे अगर आप यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई कर लो तो तीन और तीन बैलेंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर जहाँ रहा है वहाँ तीन से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मैंने यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर दी। अब तीन से मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, थ्री टू या सिक्स, यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं, यहाँ पे तो दो ही हाइड्रोजन है तो तीन यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। सल्फर कितने हैं, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे सल्फर कितने हैं, सल्फर तीन है, देखो बैलेंस होना शुरू हो गया, सल्फर तीन है। ऑक्सीजन कितने हैं, फोर, थ्री जा ट्वेल्व, यहाँ पे कितने हैं, फोर, थ्री जा ट्वेल्व, बैलेंस हो गया। इसके अलावा एल्यूमिनियम कितने हैं, टू, एल्यूमिनियम कितने हैं, टू, पूरी इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बची, यहाँ पे फाइनल इक्वेशन बची थ्री टाइम्स ऑफ एच टू एस ओ फोर। ये थोड़ी वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और आपको उनको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। ये मत सोचना कि ये छः इक्वेशन टोटल मिला के तो मैंने करा दी तो सर ने करा दी, अब ये हमें नहीं करनी है। आपको एक एक पीपीटी की स्लाइड अच्छे से प्रिपेयर करनी है ताकि आपके टिप्स पे हों सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये बैलेंस इक्वेशन बची है, यहाँ सब कुछ प्रॉपरली बैलेंस्ड है। ऑल राइट, चलिए देखो इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपके पास जो एक बुक होगी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, उसमें भी है ये वाला डायग्राम, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। देखो क्या बोला है इन्होंने, ए ग्रीन सॉल्ट ऑन हीटिंग डीकम्पोजिस टू प्रोड्यूस अ कलरलेस सफोकेटिंग गैस। एक ग्रीन कलर की कोई चीज़ है जिसको गर्म करने पे एक कलरलेस गैस निकलती है और सफोकेटिंग गैस है, यानी उससे घुटन महसूस होती है। एंड लीव्स बिहाइंड रेडिश ब्राउन रेजिड्यू, और उसके निकल जाने के बाद जो बचता है वो रेडिश ब्राउन कलर का कोई बची कुची चीज़ होती है, रेजिड्यू मतलब बचा कुचा पदार्थ। नेम द सॉल्ट, उस चीज़ का, उस ग्रीन सॉल्ट का नाम बताना है, एंड राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप आगे भी पढ़ोगे, बट फिलहाल हम लोगों का इससे भी काम चल जाएगा, तो वो कैसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये लड़की देखो अपने माउथ को हैंड से छिपा रही है, यानी कोई सफोकेटिंग गैस जगह पे निकल रही होगी। यहाँ पे देखो इन्होंने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल दिए हुए हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे वो सॉल्ट कौन सा होगा, फेरस सल्फेट का होगा। एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये चीज़ आपको छुपा ली जाए, ये चीज़ आपको ना दी जाए, कोई एक्स नाम का क्रिस्टल दे दिया जाए। तो याद रखना जो ये ग्रीन सॉल्ट होता है ये किसका होता है, फेरस सल्फेट का होता है, FeSO4 का होता है। तो जब इस FeSO4 को हम गर्म करते हैं, हीटिंग का सिंबल क्या होता है, ये ट्रायंगल बनाते हैं, तो हमारे पास बनता है Fe2O3। ग्रीन सॉल्ट कौन सा हुआ, ये है, दिस इज़ द ग्रीन सॉल्ट, समझे। तो Fe2O3 बनेगा, प्लस साथ में दो गैसेस निकलती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, समझे ना। तो हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे से ये देखो टू है तो ये टू यहाँ लग जाएगा, तो दो हमारे पास आयरन हो गए। सल्फर कितने हैं, सल्फर इस जगह पे दो हैं, यहाँ पे सल्फर एक और एक, दो हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लो, फोर टू जा एट, तो तीन तो यहाँ पे हैं और दो यहाँ पे हैं, तीन और दो पाँच और तीन आठ, ठीक है, बैलेंस है ऑलरेडी। तो जो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बना है, ये वाला, ये होता है हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर का। तो एक एक इक्वेशन याद रखिएगा, ये इक्वेशन फिर से रिपीट होकर आगे आएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। तो इसका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, नाम क्या है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। तो कंपाउंड का नाम पूछेंगे तो राइट द नेम ऑफ द सॉल्ट, तो क्या लिखोगे, फेरस सल्फेट, FeSO4। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको पूरी की पूरी लिख के दिखा दी। याद रखना दो दो गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो एक और एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे इनके पास लेड नाइट्रेट है बर्नर के अंदर, तो उस लेड नाइट्रेट को क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं।
आपसे पूछा गया है व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। अब लेड नाइट्रेट का फार्मूला भैया लिखना आना चाहिए तभी ये सब चीज़ें आपको शायद पता लग पाएंगी। तो लेड नाइट्रेट पीबी, नाइट्रेट क्या होता है NO3। अब लेड की वैलेंसी दो होती है, नाइट्रेट की 1 होती है, तो इस लेड की वैलेंसी की मल्टीप्लाई नाइट्रेट पे हो जाएगी, तो पीबी NO3 की होल ट्वाइस। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसको हीट करेंगे, ये लेड नाइट्रेट हो गया, अब इसको हीट करेंगे तो देखो पहले इक्वेशन आनी चाहिए, बिना इक्वेशन के आप एमसीक्यू हैंडल नहीं कर सकते, तुक्के नहीं मारना है। देखो क्या क्या होता है, एक तो लेड ऑक्साइड बनता है PbO, ये याद रखनी पड़ेंगी बातें आपको, लिख के याद रखनी पड़ेंगी। एक NO2 गैस निकलती है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो PbO है, लेड ऑक्साइड बोलते हैं, इसका कलर होता है येल्लो, याद रखना ये येल्लो कलर का होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। इसकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, ब्राउन यानी इसमें से जो ये फ्यूम्स निकल रही हैं ना, ये ब्राउन कलर की फ्यूम इसी गैस की हैं, ब्राउन फ्यूम्स, यानी जो इसकी वेपर निकलेंगी वो भूरे रंग की होती हैं, तो उसका डिटेक्शन होता है। ये कौन सी गैस है, ये NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। आपको याद होगा हाउसफुल मूवी में भी एक गैस दिखाई गई थी जिसमें जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, वो भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होती है, बट वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, वो होती है N2O, N2O इज नॉन एज लाफिंग गैस, ठीक है ना। और ये NO2 गैस है जिसकी फ्यूम्स कैसी होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। तो अब देखो, अब इतना जिसको आता है अब आराम से ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक कलरलेस गैस इज इवॉल्व एंड येल्लो रेजिड्यूज लेफ्ट बिहाइंड। हाँ, रेजिड्यू तो येल्लो ही बना है, देखो ये येल्लो बना है ना, बट कलरलेस गैस नहीं है, तो ये ऑप्शन कट। ए ब्राउन गैस इज इवॉल्व एंड अ वाइट रेजिड्यूज लेफ्ट बिहाइंड। हाँ, ब्राउन गैस तो बनी है, ब्राउन फ्यूम्स हैं, बट वाइट रेजिड्यू नहीं बना है, तो ये भी कट हो गया। अ ग्रीनिश येल्लो गैस इज इवॉल्व, ग्रीनिश येल्लो गैस तो निकली ही नहीं है, कट। ए ब्राउन गैस इज इवॉल्व राइट एंड अ येल्लो रेजिड्यूज फॉर्म्ड, यस। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, फोर्थ वाला हुआ। तो भैया लेवल अच्छा बना लो अपने प्रिपरेशन का, एक एक बात पता होगी तो सारे MCQ कर लोगे। अब ये कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, तो एक सिंपल सी बात, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। एक बार करो वीडियो को, 4 बार देखो, 10 बार देखो, जब तक इक्वेशन आपको ना आ जाएँ तब तक रुकना मत, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3 बेसिक इक्वेशन है, इन तीनों को आपको बैलेंस करना है, नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा, कहीं पे डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। इसके अलावा एक MCQ है, यहाँ पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन चारों में से कौन सी बैलेंस नहीं है। सबके एलिमेंट या सबके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करोगे, जहाँ पे गड़बड़ आ रही हो उसको बता देना कि हाँ ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। यानी 3 बैलेंस हैं और 1 अनबैलेंस्ड है, तो आपको वो अनबैलेंस्ड उठानी है, नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, देखो यहाँ पे क्या है, जिंक ग्रैनुअल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जो एक्टिविटी थी उससे कनेक्टेड क्वेश्चन है ये, वीडियो नंबर 1 में आपको पढ़ा दिए पूरी की पूरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, इसके 5 पार्ट पूछे हुए हैं, डायग्राम्स को देखते हुए आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। और आपको भी होमवर्क बहुत सारा हो गया, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है आपके पास, सब जगह पे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ पड़ा है, तो अपना बैठ के काम करते रहिए। एक ही NCERT का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं 3, यहाँ पे इन्हें अटेम्प्ट करोगे आप तीनों को, ठीक है। और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं जब 4th वीडियो आएगी उसमें भी एक बार डिस्कस करूँगा, सो दैट आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप वहाँ पे क्लैरिफाई कर सको, तो उससे पहले ये सारे क्वेश्चन कर लेना, तभी वीडियो नंबर 4 देखना, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।